नमस्कार छात्रों तो छात्रों हमने पहले वीडियो में समझा था कि साखी शब्द किसे कहते हैं या क्या अर्थ होता है तो अब उसी साखी का सार मीन आपका दसवीं क्लास का पहला पाठ है साखी और पहले अर्थ समझा था पहले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वह वीडियो वैं देख लें उसके बाद आज ये साखी का सार मीन साखी की शॉर्ट स्टोरी कि साखियों में कबीर जी क्या कहना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इन साखियों में कबीर ईश्वर के प्रेम महत्व को के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं साखियों में क्या कहा गया है क्या प्रकट किया है कबीर जी ने ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं जो पहली आपकी पुस्तक में साखी है उसमें क्या सलाह देते हैं कबीर जी मीठी भाषा का प्रयोग करना मीठा बोलना उसकी सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने मन तन को शीतलता प्राप्त हो मीन जब हम मीठी बाणी बोलेंगे तो दूसरे के तन को दूसरों को सुख मिलेगा उसका सुनकर और अपने तन को शीतलता मिलेगी ठंडक मिलेगी दूसरी साखी में कबीर जी ने कहा है कि ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं क्या देते हैं दूसरी साखी में कबीर जी सलाह कि ईश्वर तो को मंदिरों या तीर्थों में ढूंढने की बजाय मन में ढूंढने की सलाह देते हैं तीसरी साखी में कबीर ने कहा और तीसरी साखी में कबीर ने कहा ए, अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत मीन उल्टा बताया है मीन दो एक दूसरे से उल्टा बना बताया है चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है प्रभु को पाने की शाखा जो जो चाह है वह उन लोगों को संसार से अलग करती है पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता मीन जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को ईश्वर का बिछोड़ा होता है उस वह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता अगर रहता है भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी होती है तो उस व्यक्ति की स्थिति जो होती है पागलों जैसी होती है संसार में अगर ईश्वर के व्योग में कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है छात्रों पागलों जैसी छठी साखी छठी साखी में कबीर जी कहते हैं निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं जो लोग निंदा करते हैं उनके स्वभाव हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं सातवीं साखी में ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं अब अपनी सातवीं साखी में क्या कहा है कबीर ने कि प्रेम के अक्षर को जो पढ़ते हैं प्रेम से जो बोलते हैं वो व्यक्ति को पंडित बताते हैं और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा अगर हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा मोह माया का त्याग करना पड़ेगा तो ये थी कबीर की सात साखियों में क्या कहना चाहते हैं आपको सार बता दिया अब आपको अच्छे से प्रसंग व्याख्या जो है वह समझ में आ जाएगी चलो आइए जानते हैं नेक्स्ट साखी के माध्यम से ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए अपना मन तन शीतल करे औरन को सुखोए अब जैसे आ, मैंने आपको पहले सार बता दिया है कि इस साखी में कबीर क्या कहना चाहते हैं शब्दों से ही पता चल जाता है कि कबीर जी क्या कहना चाहते हैं बाणी मीन बाणी मीन अपनी भा, बोली भाषा मन का आपा खोए में अपना आप हो जाता है अपना तन होता है शरीर शीतल होता है और औरन को सुख होई, औरों को सुख देता है हमारा मीठा बोलना जी औरों को क्या करता है सुख देता है और हमारा जो तन होता है अपना शरीर जो होता है उसे क्या मिलती है शीतलता मिलती है ये कुछ शब्दों के अर्थ हैं आप खुद पढ़ सकते हैं वाणी होता है बोली आपा अहंकार खोई मीन त्याग करना शीतल शीतल क्योंकि अनपढ़ थे कबीर तो उसमें शब्दों जो है वो गलत शब्द शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है तो उसी को शुद्ध हिंदी का अर्थ के रूप में लिखा गया और मीन दूसरों को होई, हो ही दूसरों को औरन होता है दूसरों को होई मीन होना कि प्रसंग जानते हैं प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही गई है कबीर ने क्या कहा गया है? कि मीठी बोली बोलनी चाहिए औरों को किस दुख नहीं देना चाहिए अपनी बातों से व्याख्या के माध्यम इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे जिसमें हमारा जो अपना तन होता है शरीर होता है मन होता है भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो अर्थात दूसरों को भी दुख सुख प्राप्त हो दूसरों को क्या हो हमारी भाषा से सुख प्राप्त हो। बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके लाइक और शेयर भी जरूर कर देना